अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगी खुश और आबाद होंगी। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कैरमल खीर, और ये बहुत ही खाने में टेस्टी और डिलीशियस होती है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर के करीब दूध, इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले मैं इसे करूँगी बॉयल। दूध मेरा बॉयल हो रहा है काफ़ी, यानी कि बॉयल हो चुका है, और क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी बॉयल था पर ठंडा कर दिया था तो वापस मैंने इसको सिर्फ गर्म कर रही हूँ। तो यहाँ है मेरे पास चावलों का पेस्ट, यानी कि मैंने चावल लेकर बॉयल कर लिए थे और बिल्कुल अच्छे से नरम करके उसका पेस्ट बना लिया है। तो इस पेस्ट को मैं डाल दूँगी इसके अंदर और इसे करती जाऊँगी मिक्स ताकि ये गट्ठा ना हो, और इसी तरह मैं सारा मिक्सचर निकाल लूँगी इसमें से। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने सारे चावलों की मेरा पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया है दूध में। तो अब मैं ऐसे करूँगी गाढ़ा, बिल्कुल गाढ़ा कर दूँगी खीर को, और इसी के साथ मैं डालूँगी इसमें इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आपके ऊपर है कि आप कितना खाना पसंद करते हैं। मैं बिल्कुल हल्का सा पिंच डालूँगी, और इसी के साथ मैं डालूँगी ज़ाफ़रान। इसमें जा रहा है हल्का सा ज़ाफ़रान, बस इतना सा पिंच डालूँगी। अब मैं इन सबको मिक्स करने के लिए रख दूँगी, और मैं इसको बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इसको पकाती रहूँगी ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये देखिए गर्म दूध में ज़ाफ़रान का कलर आप देखिए कितना अच्छा आ रहा है। शायद मैं आपको करीब से दिखा दूँ, इतना ज़बरदस्त, और खुशबू जो निकली है ना। अभी तो मैंने इसमें कैरमल वगैरह बनाकर नहीं डाला है तो अभी इसका खुशबू इतनी आ रही है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने खीर को दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिया है उसको गाढ़ी होने के लिए, और उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं पका रही हूँ ताकि, और बार बार उसको बार बार चमचा चलाना है वरना आपकी खीर नीचे जम जाएगी। तो यहाँ मैं ले रही हूँ दूसरी तपीली, और यहाँ मैं तैयार करूँगी अपनी कैरमल। कैरमल बनाने के लिए मैं ले रही हूँ घी, और यहाँ मैं ले रही हूँ 1 खाने का चम्मच घी। इसको मेल्ट होने दूँगी। घी हो चुका है मेरा गरम, तो इसमें मैं डालूँगी शक्कर। शक्कर आपके घर वालों के टेस्ट के हिसाब से कि वो कितना खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आपको लेनी है। अब मैं इसको मुस्तकिल शक्कर को भी चलाती रहूँगी और इसकी कैरमल बना लूँगी। अब इस स्टेज में मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। पानी आपको थोड़ा ध्यान से डालना है क्योंकि जोड़े नहीं। क्या आप देख रहे हैं मेरी कैरमल तैयार हो रही है, तो जैसे ही अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी थोड़ी सी तो मैं इस पे खीर में डाल दूंगी, और खीर को भी आपको बिल्कुल चम्मच चलाते ही रहना है, छोड़ना नहीं है कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में चला रही हूँ। और अगर आप चावलों को पेस्ट करके डालेंगे ना पीस कर, तो उसमें ये होगा कि आपको ज़्यादा देर तक पकानी नहीं पड़ेगी, वरना आपको चावलों के गलने तक का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप अच्छे से जब गल जाएंगे तो फिर उसको बिल्कुल नरम होना पड़ेगा फिर कैरमल, तो वो बहुत ज़्यादा लेट कर देता है खीर को। अब मेरी कैरमल की बहुत अच्छे से खुशबू आ गई है, शक्कर मेरी अच्छे से गल चुकी है, और आप ये देख सकते हैं इसका गारापन। तो अब मैं इसे उठा के इसमें खीर में डाल दूंगी। अब मैं इसे डाल रही हूँ खीर के अंदर, बिल्कुल स्लो स्लो आपको डालना है और मुस्तकिल हिलाते रहना है। बिल्कुल कैरमल गर्म है और वो जब दूध में जाती है तो वो उबलती है, यानी कि उबल के बाहर ना गिरे, तो इसलिए आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है। और अब इसको पका लेना है। अब इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते। मैं अभी थोड़े से डाल रही हूँ, ऊपर से गार्निश के लिए डालूंगी। और अगर आपको इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं आप। और ये लकड़ी का चम्मच चलाने का ये मकसद है कि इससे ना आपकी खीर कभी भी घिर के बाहर नहीं गिरेगी। तो अगर आपके पास लकड़ी का चम्मच है और वो कोई सालन वगैरह में यूज़ नहीं हुआ है तो आप उसको इस खीर में या किसी को भी खीर या बनाए दूध वाली चीज़ तो उसमें ये लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, तो कभी भी आपकी खीर बाहर
गिरेगी नहीं उबल के। और हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको चलाते रहना है। अब मैं इसको थोड़ा और गाढ़ा करूँगी, थोड़ा सा और, ताकि गाढ़ी हो जाए, क्योंकि ठंडी होएगी तो भी गाढ़ी होएगी। तो अब मैं थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी। मेरी मज़ेदार कैरमल खीर बिल्कुल रेडी है। आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना गोल्डन सा कलर आया है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। जाने से पहले मेरे से एक दफ़ा दरुशी पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलते हैं नेक्स्ट डिश में। अपना अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।